ओके, तो आज की वीडियो में ओनली बात करेंगे जो हमारा अवे किंग आलोक है वो बंडल के साथ हम लोगों को कैसे मिलेगा, क्योंकि नॉर्मली तो आप लोग क्लेम कर पाओगे लेकिन बंडल के साथ कैसे क्लेम करना है आज की वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर, सबसे पहले गाइस आप लोगों को आलोक अवे किंग करने के लिए यहाँ से कुछ मिशन कम्प्लीट करने पड़ेंगे, तो इसकी मैं आपको डिटेल्स में बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले बंडल की बात कर ले। तो बंडल के लिए सिंपली आप लोगों को 6th एनिवर्सरी के इवेंट के अंदर जाना है। 6th एनिवर्सरी इवेंट के अंदर आने के बाद आप लोगों को जो ये बीच में दिख रहा है 6 लिखा हुआ, उस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे यहाँ लेके आ जाएगा, तो यहाँ आपको कुछ मिशन कंप्लीट करना है। कलर पावर ये आप जैसे गेम खेलोगे ना, आफ्टर मैच ड्रॉप आप लोगों को एकदम फ्री में मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ जाओगे ना, तो यहाँ आप लोगों को इसका बंडल मिल जाएगा, जो बंडल आप लोग किसी भी कैरेक्टर के ऊपर पहना सकते हो। ध्यान से समझ लेना, ऐसा जरूरी नहीं कि आलोक के साथ ही आप पहना सकते हो, किसी भी कैरेक्टर के साथ आप पहना सकते हो। इस बंडल को देखो कितना मस्त बंडल है, एकदम जहर बंडल है। तो इसको गाइस आप लोगों को यहाँ से क्लेम कर लेना है, लगभग 70 लेवल कर दोगे तो आपको पूरा बंडल मिल जाएगा। अब बात करते हैं इलाइट आलोक को कैसे अवेकिंग करें। तो इसके लिए सिंपली आप लोगों को कैरेक्टर के अंदर जाना है, कैरेक्टर के अंदर जाने के बाद आलोक पे क्लिक करना है। आलोक पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को सबसे पहले इसको इक्विप कर लेना है। इक्विप क्यों करना है वो मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन आप लोगों ने इक्विप कर लिया उसके बाद आप लोगों को जाना है जो ये लॉक दिख रहा है ना, उस पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ आप लोगों को अवेकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ आने के बाद आप लोगों को ये मिशन कंप्लीट करना है, जैसे कि 2 बंदों को किल करना है, फिर एक बुया करना है और एक ग्रेनेड से मारना है। तो अगर आपको ये मिशन अच्छे नहीं लगते और इसको आप लोग रिफ्रेश करना चाहते तो अगर गोल्ड यहाँ देना पड़ेगा, तो ऐसे आप लोग रिफ्रेश करोगे तो दूसरे मिशन देखने को मिलेगी। देखो गाइस 2 किल वाला रहा, बाकी सब चेंज हो गया। तो ऐसे आप लोग मिशन भी चेंज कर सकते हो और ये टोकन आप लोगों को लेने पड़ेंगे। जो आलोक अवेकिंग के जो एम्बलम है ना वो आप लोग लेना पड़ेगा, 15 से आप लोग पहला लॉक खोल पाओगे। और हाँ एक बात याद रखना, अगर आप लोगों को अवेकिंग आलोक करना है तो आप लोगों को यहाँ लिखा हुआ गाइना फ्री फायर ने क्लियर लिख दिया है, आलोक के साथ खेलने पे ही ये मिशन कंप्लीट होगा, वरना मिशन कंप्लीट नहीं होगा। अगर ये मिशन आपको कंप्लीट करना है तो सिंपली आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से बाहर आ जाना है और ऐसे आलोक को इक्विप कर लेना है। मेन कैरेक्टर के अंदर आलोक इक्विप कर लेने के बाद आपको कोई भी गेम आपका मन जो भी करे वो यहाँ से आपको खेलना है, और आप खेलोगे तो आपके मिशन कंप्लीट होते रहेंगे। और मिशन आपको एक दिन में भी कंप्लीट कर सकते हो और एक साल में भी कंप्लीट कर सकते हो, उसका गहना ने कोई टाइम नहीं दिया, मतलब आपको आज ही कंप्लीट करना है ऐसा जरूरी नहीं है। आपको जब भी टाइम मिले तब आपको कंप्लीट करना है। और यहाँ से आप लोग ये एम्बलम लोगे ना उतने ज्यादा आपको यहाँ काम आएंगे। 15 मैं आपको काउंट करके दिखा देता हूँ कितने चाहिए, 15, 30, 45, एक के लिए 45 चाहिए। तो 45 × आप लोग 5 कर दो कितने चाहिए वो आप समझ जाओगे। 45 × 5 कर दोगे तो लगभग 250 अराउंड होते हैं, तो उतने आपको यहाँ से एम्बलम यानी कि टोकन चाहिए अवेकिंग आलोक के, तभी आप लोगों का मैक्स लेवल होके क्लेम हो पाएगा। तो आलोक के एबिलिटी का पहले वीडियो बना चुके, बाकी क्लेम कैसे करना है मैंने आप लोगों को समझा दिया। सिर्फ आलोक कैरेक्टर के साथ खेलना है और कुछ नहीं करना है। तो बस गाइस आज की वीडियो में यही बताना था, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना